एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं चॉकलेट फ्लेवर मिल्क शेक। इस चॉकलेट से, नॉर्मल डेयरी मिल्क चॉकलेट से बनाने वाले हैं, और फिर लास्ट में हम उसकी डेकोरेशन भी करने वाले हैं डिफरेंट चॉकलेट्स एंड बिस्किट से। तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट से अपनी चॉकलेट मिल्क शेक रेडी करते हैं। चॉकलेट फ्लेवर मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए। हम कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। किट कैट बार चाहिए उसे डेकोरेट करने के लिए, इसकी जगह पे भी कोई और चॉकलेट ले सकते हैं। और एक पार्ले बिस्किट, इसकी जगह पे भी हम कोई और बिस्किट ले सकते हैं। एंड हमें मिल्क चाहिए, मिल्क कंपलसरी है, और मिल्क के बिना चॉकलेट फ्लेवर मिल्क शेक कैसे बनेगा। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मिल्क में सबसे पहले चीनी डाल देनी है। आप पिसी हुई और सीनी कैसे भी तरीके की चीनी डाल सकते हैं, और इसे ध्यान रखना है कि चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल जाए। तो चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमें चॉकलेट उसमें कैसे डालना है, हमें चॉकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट करके डालना है। हमने पहले पानी को हीट कर लिया है और चॉकलेट हम एक खाली कंटेनर में डाल देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल लिया है, और अब हम इसे चलाते हुए इसे मेल्ट कर लेंगे। तो हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, और मैंने मिल्क में थोड़ा सा चॉकलेट डाल भी दिया है। अब हम ये पूरा चॉकलेट मिल्क में डालेंगे। तो मैंने चॉकलेट इसमें डाल के मिला लिया है, एंड अब बारी है, ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर मिल्क शेक रेडी हो चुका है, एंड अब बारी है इसकी डेकोरेशन की। तो चलिए फटाफट से डेकोरेट करें। मैंने दूसरे कंटेनर में, मतलब दूसरे ग्लास में निकाल लिया है, ये कांच का ग्लास है, इसमें मैंने निकाल लिया है। अब इसके ऊपर क्या डेकोरेशन करनी है वो मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पार्ले बिस्किट का पाउडर, एंड अब हम इस पाउडर को अपने मिल्क शेक के ऊपर छिड़केंगे। तो यहाँ पे मैंने पार्ले बिस्किट की एक लेयर लगा दी है। अब हम इस पे डेकोरेट करेंगे किटकैट से। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा चॉकलेट फ्लेवर मिल्क शेक, हमारी किटकैट बार, और ये स्ट्रॉ, और मिल्क शेक ऊपर आ रहा है। टेस्टी तो बहुत है ये, एंड आई होप आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। एंड प्लीज़, मुझे पता है आप लोग को ये मन कर रहा होगा बहुत पीने का, तो प्लीज़ इसकी वजह से मुझे डिसलाइक करके मत जाइएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। एंड रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।